नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया कोठारे को निर्विरोध निर्वाचन प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ खंडवा के जिलाध्यक्ष पद का स्थानीय अजाक्स कार्यालय खंडवा में निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजू रावत, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहायक निर्वाचन अधिकारी राजू बड़वाया, उप संचालक उद्यानिकी विभाग खंडवा, पर्यवेक्षक अविनाश दिवाकर, अधीक्षण यंत्री जल संसाधन हृदेश आर्या, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी यूके गोयल, एसडीओ वन विकास निगम द्वारा कोठारे को अजाक्ष जिलाध्यक्ष खंडवा के पद पर निर्विरोध निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर अजाक्ष तहसील ब्लॉक सहित जिले की बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने श्री कोठारे के जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने पर पुष्पहार से भव्य स्वागत करते हुए कार्यालय में ढोल ताशे के साथ स्वागत किया तथा पश्चात वाहन रैली के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। कोठारे के निर्वाचित होने पर सभी तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित जिला पदाधिकारी महेश मांडले, आनंद सावनेर, गणेश देवड़ा, संतोष गवई, नयन जल सिंह, जल सिगौद, रेवाजिया सिसोदिया, रेखा कोचले, वंदना कोठारे, पुष्पा अटूट, हुकुम चंद गोयल, सत्यनारायण चौहान, चेतराम नीलकंठ, विजय खंडेल, आत्माराम पांडे, सुखदेव पवार, अशोक गोलकर, राधेश्याम नंदौरे, अनार सिंह सोलंकी, अरुण पाटिल, रघुनाथ यात्रा, बी हिरवे सहित बड़ी संख्या में अजाक्ष पद अधिकारियों ने बधाई दी। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कोठारे ने सभी निर्वाचन अधिकारियों सहित सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन KB मंसारे तथा कार्यक्रम के अंत में आभार महेश मांडले द्वारा माना गया। आपका परिचय? मैं प्रेमलाल कोठारे, अजाक्स जिलाध्यक्ष खंडवा। आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांत के द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी हुए थे, जिसमें प्रांत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजू रावत जी, संचालक पशुपालन विभाग खंडवा थे तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री राजू पढ़वाया जी, संचालक धानीपी थे, पर्यवेक्षक के रूप में दिवाकर साहब, PHE के कार्यपालन यंत्री थे तथा आर्य साहब संयोजक थे और निर्वाचन अधिकारी के रूप में यूके गोयल जी थे। इन चार लोगों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश अजाक्ष संघ जिला खंडवा का चुनाव संपन्न हुआ और निर्वाचन अधिकारियों ने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का पालन करते हुए 1201 सदस्यों के द्वारा निर्विरोध मुझे निर्वाचित घोषित किया गया और इसके लिए मैं निर्वाचन अधिकारियों का तथा मेरी अजाक्स सदस्यों का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और उन्हें सब को आश्वस्त करता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों के हितों के लिए मैं सतत रूप से काम करते रहूंगा तथा किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर किसी भी प्रकार का कोई शोषण या उनके साथ अत्याचार होता है तो मध्य प्रदेश अजाक्स जिलाध्यक्ष खंडवा के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस अधिकारी कर्मचारी की समस्याओं के लिए संघर्ष करूँ। मैं पूरी तरह से संघ के बताए हुए उद्देश्य को लेकर कार्य करता रहूँगा, ऐसा मैं अपने अध्यक्ष साथियों को विश्वास दिला रहा हूँ। आज दिनांक 28 नवंबर 2021 को जिला अध्यक्ष अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हेतु मुझे प्रांतीय कार्यकारिणी भोपाल अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल होने से नामांकन निर्विरोध होने से श्री प्रेमलाल जी कोठारे को पुनः अध्यक्ष जिला खंडवा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित कर किया गया प्रमाण पत्र और उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। थैंक यू सर।
खबर समय जगत के लिए खंडवा से ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।